शेयरों पर वहां पर खबरों का साफ असर देखने को मिलेगा और 5 खास स्टॉक्स हमने आपके लिए हर रोज की तरह चुने हैं। हेमंत घाई हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना। नजर रहेगी फिर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पैक पर और एविएशन सेक्टर के ऊपर यानी जेट इंडिगो और HPCL BPCL IOC पर। और कच्चे तेल में जिस तरह से ओवरनाइट तेजी देखने को मिली 72-73 के आसपास, देखिए ब्रेंट क्रूड इस समय कारोबार कर रहा है तो फिर ये दिक्कत की बात है। इन पूरे के पूरे दोनों सेक्टर्स के लिए यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। नजर रखिएगा IDBI बैंक पर और RBI ने 3 करोड़ की एक पेनल्टी लगाई है। पेनल्टी का साइज तो बड़ा नहीं है लेकिन इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन में गड़बड़ी पाई गई है और इसलिए पेनल्टी लगी है। तो IDBI बैंक पर नेगेटिव साइड पर असर देखने को मिल सकता है। L&T और BEL पर रखिएगा नजर। L&T ने दरअसल BEL के साथ एक करार किया है डिफेंस के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अगर बाजार की सेहत सुधरती है तो। और नजर रखिएगा आज टीटागढ़ वैगन पर। दरअसल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इनको कुछ अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करने थे, उसमें देरी हो गई थी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा क्योंकि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इनका कुछ पैसा रख लिया था और अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने दरअसल टीटागढ़ वैगन के फेवर में फैसला सुनाया, तो पुराना रकम इनको जो है वो मिल सकती है बशर्ते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ना जाए। जनरली हम देखते हैं सारे मामले जो है अपील में दूसरे उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं, लेकिन आज के लिए तो राहत की खबर। नजर रखिएगा इलाहाबाद बैंक पर भी और यहाँ पर Basel III नियमों के तहत ये कुछ पैसा जुटाना चाहते थे और उसके बाद जब RBI ने इनको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत इनके ऊपर रोक लगा दी तो अब ये पैसा वो नहीं जुटा पाएंगे, तो इनके लिए खराब खबर आज के दिन। चलिए तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे आज के सत्र में। बैंकों में इलाहाबाद बैंक, IDBI बैंक का ये थोड़े से नरम दिखाई दे सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्योंकि कच्चा तेल $72 के करीब पहुंच गया है। टीटागढ़ वैगन्स, L&T, BEL ये कुछ और स्टॉक्स रहेंगे जो रेडार पर रहेंगे आज के सत्र में। यही नहीं, वायदे बाजार के कुछ